नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवजोत और आज के इस वीडियो में, आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपना फ़ोन पे से बैलेंस चेक कर सकते हैं, अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को कंप्लीट आप आगे देखते रहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आप फोन पे से अपना बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सिंपली आप जाइए फोन पे पे। जैसे आप फोन पे पे जाते हो, ये कुछ इस तरह इंटरफेस दिखाएगा। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर मनी ट्रांसफर या दिख रहा है ऑप्शन, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा बैंक बैलेंस का, यहाँ पे क्लिक कीजिए। अब आपकी कौन सी भी बैंक है दोस्तों, एक चीज को यहाँ पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो जो भी बैंक आपने फोन पे से लिंक की होगी वो उसी बैंक का आप यहाँ पर मतलब बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं। यानी जो भी बैंक आपने फोन पे से लिंक की होगी उसी बैंक का आप यहाँ पर बैंक बैलेंस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी कौन सी भी बैंक का बैंक बैलेंस चेक नहीं कर सकते। सो दोस्तों, मेरी दो बैंक फोन पे से लिंक है। सपोज मैं ये पहली वाली बैंक सिलेक्ट कर लूँगा, मतलब सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना UPI पिन डाल दूंगा। अब जैसे मैं अपना UPI पिन डाल दूंगा, यहाँ पर मेरा बैंक बैलेंस शो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, मेरा बैंक बैलेंस है 940.29 रुपये। सो दोस्तों, ये इस तरीके से आप अपने फ़ोन पे से अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ध्यान रखना है कि आपका जो बैंक है वो फ़ोन पे से लिंक होना चाहिए, तभी आप अपने बैंक का बैलेंस चेक कर सकते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहे। सो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।